सागर और नदियों के संगम पर बसी एक प्राचीन नगरी। इस शहर में खड़ा है एक भव्य मंदिर, जहाँ के कणकण में बसते विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। जिस नगर के द्वार है अनगिनत, इसीलिए कहलाती है वो द्वारिका नगरी। जी हाँ, आज बात करेंगे द्वारिका के बारे में। वैसे तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, एक नाम उनका रणछोड़ भी है। जरा सिंह के बार बार चढ़ाई करने के बाद यादवों को बचाने के लिए वो मथुरा छोड़ के जब द्वारिका आके बसे थे, तब से उनको रणछोड़ के नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर की दीवारों पे आपको मिलेंगे देवी देवता और पशु पक्षियों के अद्भुत नज़ारे। सन 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसकी मरम्मत भी करवाई थी। जैसे बद्रीनाथ में पिंड का महत्व है, रामेश्वर में जल का महत्व है, वैसे ही द्वारका नगरी में सिंगार का महत्व है। एक मान्यता के अनुसार सुना है कृष्ण एक बार एक भ्रमण के सपने में आए और मूर्ति को कुएं से निर्धारित समय के बाद निकालने को बोला। ये सुनते ही भ्रमण बेताब हो गए और उसने समय से पहले ही मूर्ति को कुएं से निकाल दिया, इसलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से बन नहीं पाई। वैसे तो इस मंदिर में रोजाना 10 से 12 हज़ार की भीड़ लगती है, लेकिन जब कृष्ण जन्म होता है यानी कि जब जन्माष्टमी होती है, तब ये भीड़ दुगनी या चौगुनी होकर 1.5 से 2 लाख तक होती है। इस नगरी पे विश्वास और आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ते। मथुरा में कंस के वध करने के बाद जब उनके ससुर जरा सिंह ने बार बार यादवों पे चढ़ाई की, तब श्री कृष्ण ने यादवों को बचाने के लिए मथुरा से दूर द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। सुना है श्री कृष्ण ने सागर देवता से जमीन ली और विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने करवाया था। इस मंदिर में 5 मंजिलें हैं और 60 स्तंभ हैं। इसका शिखर लगभग 38 मीटर ऊंचा है। सन 1960 में मंदिर को द्वारकाधीश टेंपल एडमिनिस्ट्री कम्युनिटी को सौंप दिया गया है, तब से इसकी जिम्मेवारी पूरी इनके सर पे है। इस मंदिर में चढ़ती है कभी कभी तो दिन में 5 से 6 बार ध्वजा। यही द्वारिका का गोमती घाट। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही जनमेदनी रहती है, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे बहुत ही कम इंसान। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है और हम आए हैं द्वारिका नगरी में। सुना है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा जो 3 साल में एक बार आती है, इस दिन द्वारकाधीश के दर्शन करने से इंसान के भाग्य खुल जाते हैं। यह है गोमटी घाट की बाजारें। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए ये बिल्कुल सुनसान है। अगर आपको बाय रोड अहमदाबाद से द्वारका आना है तो उसकी दूरी होगी 451 किलोमीटर, जो आप 8 घंटे में तय कर पाएंगे। और अगर आप राजकोट से सीधा आना चाहते हैं तो उसकी दूरी है 225 किलोमीटर, जो आप बाय बस रूट 4 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं सोमनाथ टेंपल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो उसकी दूरी आपको मिलेगी 225 किलोमीटर, जो कि रात को ट्रेन भी चलती है 7 बजे, सुबह आपको 6 बजे छोड़ती है, लेकिन अभी कोविड-19 के चलते हुए वो ट्रेन अभी फ़िलहाल बंद है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको लगेंगे सोमनाथ पहुंचने में 4 घंटे। ये है सुदामा ब्रिज। हम अभी जा रहे हैं बेट द्वारका।
जो कि हमें जाना पड़ेगा बोट से, जो कि इसकी टिकट लगती है 30 से 40 रुपये और इसकी जो दूरी है वो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर और ये दूरी तय करने में हमको लगते हैं 30 से 35 मिनट। यहाँ के सागर में बसे अनगिनत रहस्य। जब युद्ध में कौरवों के पूरे वंश का नाश हो गया तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसके 36 साल के बाद सागर की विशाल लहरों ने द्वारकाधीश नगरी को नष्ट कर दिया और समंदर में मिला दिया। इस मंदिर में तुलसी का बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि तुलसी श्री कृष्ण की पत्नी के साथ साथ प्रेम का प्रतीक भी है। यह है द्वारिका का श्री सकीर्तन मंदिर। यहाँ पे पिछले 51 साल से अखंड रामधुन चल रही है। यह है द्वारिका का शॉपिंग मार्केट। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की अलग अलग आइटमें हाथ से बनाई हुई आपको मिल जाएगी, वो भी एकदम वाजबी दामों पे। गुजरात के लोग बहुत ही होनेस्टी है। वो सोचते हैं जो बाहर से गुजरात घूमने आए हैं वो लोग यहाँ से खुश होके जाएं। मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाता ही रहता हूँ। मेरी ज़्यादातर वीडियो ऑनलाइन और मार्केटिंग, कार, ऑटो और भारत में घूमने की जगहों पर होती है। आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, आप अगर नए हैं हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल टेवानी मुकेश को और पास ही में पड़ा बेल आइकॉन भी पुश कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो वो भी सबसे पहले। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण टी सीरीज़ के मालिक श्री गुरशन कुमार ने करवाया था।